हाँ तो क्लास 10th हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था साइंस का, केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ कवर कर ली थी और हम थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे। हमने तो टाइप्स भी कवर कर लिए थे, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के भी कुछ टाइप्स है, वो भी हमने पढ़ लिए थे। तो अब हम थर्ड पे आते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने के लिए आप लोग अपने नोट्स को भी अपने सामने खोल के रखना, ठीक है। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। जैसे कि आप लोग नाम से समझ रहे होंगे, डिस्प्लेसमेंट किसी चीज का डिस्प्लेस होना, अपनी जगह से हट जाना, अपनी जगह से दूसरी जगह चले जाना, वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि हमारे ए बी हैं और वो सी के साथ रिएक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो फिर क्या होगा, हमने देखा कि जो हमारा सी है, जो हमारा, ध्यान से सुनना, जो हमारा सी है वो हाईली रिएक्टिव है। अभी बताऊंगी कि कौन से हाईली रिएक्टिव होते हैं, कौन से लो रिएक्टिव होते हैं, लेकिन जो हमारा सी है वो हाईली रिएक्टिव है, किससे, ए से, किससे, ए से। तो सी हमारा क्या करेगा, बी को डिस्प्लेस्ड कर लेगा, मतलब बी को अपने साथ ले आएगा, ए से डिस्प्लेस हो जाएगा बी और किसके पास चला जाएगा, सी के पास। क्यों? क्योंकि जो हमारा सी है वो हाईली रिएक्टिव है, ज्यादा शक्तिशाली है, किससे, ए से। आया समझ में? और जो हमारा फिर ए होगा वो क्या हो जाएगा, अकेला रह जाएगा। इतना आया समझ में? और अब देखो ये समझो कि अगर हमारा ये होता सी बी प्लस ए है, सी बी प्लस ए, तो मैंने क्या बताया था कि जो हमारा सी है वो क्या है, हाईली रिएक्टिव, ज्यादा पावरफुल, और ए जो है वो कम पावरफुल है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, नो रिएक्शन, क्योंकि ए इतना कैपेबल नहीं है कि वो बी को सी की तरह अपन डिस्प्लेस करा सके, कि ए इतना शक्तिशाली नहीं है, इतना हाईली रिएक्टिव नहीं है कि वो सी से, हाईली रिएक्टिव से बी को छीन के अपने पास ला सके। इतना आया समझ में? अब देखो आपके एनसीईआरटी बुक में एक एक्टिविटी भी है कि एक हमारे पास कंटेनर है, ठीक है। कंटेनर में हमारे CuSO4 का, CuSO4 है इस कंटेनर में, CuSO4 जो कैसे कलर का है, ब्लू कलर का, ठीक है। और इसमें CuSO4 में हम कुछ आयरन फ्लिप्स डाल देते हैं, आयरन डाल देते हैं, ठीक है। ये हमने आयरन डाल दी इसमें Fe। अब हम क्या देखते हैं, देखो CuSO4 में जब हमने आयरन डाली तो हमने क्या देखा कि जो हमारा आयरन था वही वाली कंडीशन आ गई, सी है आयरन, आयरन क्या है, ज्यादा कैपेबल, हाईली रिएक्टिव, तो आयरन क्या करेगा कि बी को अपने साथ ले लेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, FeSO4 प्लस, और जो ए है वो क्या हो जाएगा, अकेला रह जाएगा, Cu क्या हो जाएगा, अकेला रह जाएगा। इतना आया समझ में? अब देखो अब हमें ये कैसा पता चले कि कौन सा हाईली रिएक्ट, तो फिर हमें अब ये कैसे पता चले कि कौन सा हाईली है कि कौन सा लो है, ये तो हमें पता नहीं है। और मैंने कहा कि जो हाई है वो डिस्प्लेस करता है, तो देखो एक और चीज बताती हूँ, रिएक्टिविटी सीरीज। अगर आप लोगों ने अपने नोट्स सामने खोल रखे होंगे तो भैया के नोट्स में बहुत अच्छे ढंग से समझा रखा है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज मतलब जो हाईली होता है उसके अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी सीरीज हमें दे रखी होती है। जैसे कि मैंने लिख रखी है, कालू ने कहा बेटा मंगू आलू जरा फीके पके हैं, क्या होगा आगे और पता करो। ये इसका इजी तरीका है इसे याद करने का। और आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें ये बी है और पीटी नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, आप लोग इसको ही याद करें। और ऐसा कहते हैं, अब इसमें भी हमें कैसे पता चले कि कौन से हाई है कौन से लो है, तो ऐसा कहते हैं कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले होते हैं, ध्यान देना, जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, हाईली रिएक्टिव। वो कैसे होते हैं, हाईली रिएक्टिव, स्ट्रांग होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, मतलब अपनी तरफ ले सकते हैं किसी चीज को, किसी चीज को डिस्प्लेस करा सकते हैं और अपने संग जोड़ सकते हैं। और जो हाइड्रोजन से नीचे वाले होते हैं, मतलब ये वाले, वो कैसे होते हैं, वो आ जाते हैं हमारे लो रिएक्टिव में,
आया समझ में? अब कौन से लो रिएक्टिव होते हैं, कौन से हाई रिएक्टिव होते हैं, कौन डिस्प्लेस्ड कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। अब आते हैं फिर से इस एग्जांपल में, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया। अब देखो, मैंने कहा था CuSO4 सॉल्यूशन में हमने डाली आयरन, तो मतलब Cu कहाँ है? Cu देखो पूरी में, Cu हमारा आ रहा है जस्ट हाइड्रो, उसके हाइड्रोजन के नीचे। मतलब मैंने अभी क्या कहा, हाइड्रोजन के नीचे वाले जो होते हैं वो हमारे कम रिएक्टिव होते हैं राइदर देन उसके ऊपर वाले, ठीक है। और Fe कहाँ आ रहा है? अब Fe ढूंढो, Fe आ रहा है हमारे हाइड्रोजन के ऊपर। क्लियर हुआ कि Fe हमारा ज्यादा ताकतवर है किससे? Cu से। तो Cu हमारे कैसे कलर का था? ब्लू कलर का। जब उसमें हमने आयरन डाली तो आयरन था हमारा स्ट्रॉन्ग, आयरन स्ट्रॉन्ग था, आयरन ने डिस्प्लेस कराया किसे? SO4 को। SO4 को जब आयरन ने डिस्प्लेस करा, स्ट्रॉन्ग था अपनी तरफ लिया, तो कलर चेंज हो गया और कलर FeSO4 का काय में चेंज हो गया ब्लू से पेल ग्रीन में। क्लियर हुआ? जब CuSO4 सॉल्यूशन ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन था उसमें हमने Fe डाली, तो Fe ने CuSO4 को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया और कलर चेंज हो गया पेल ग्रीन में, और सॉल्यूशन क्या हो गया? FeSO4 और Cu रह गया विदाउट कलर। आया तो समझ में? ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, फोर्थ में। अगर इसमें आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ लेना, ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूंगी। फोर्थ आता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने जैसे अभी पढ़ा कि हाईली रिएक्टिव ने लो को अपनी तरफ ले लिया, ठीक है। और डबल डिस्प्लेसमेंट, अब इसमें दो होंगे, दो चीज डिस्प्लेस्ड होंगी, जैसे कि एक ए बी है और एक है सी डी। अब इसमें क्या होगा कि जैसे सपोज दैट कि ये जो हमारा डी है, पहले क्या था? बस सी हाईली रिएक्टिव था। अब हमारी ये दोनों हाईली रिएक्टिव हैं एक तरह से, तो अब क्या होगा? जो हमारा डी है वो ए को अपनी तरफ डिस्प्लेस कर लेगा, कि जो हमारा डी है वो डिस्प्लेस कर लेगा ए को। मतलब क्या हो जाएगा? डी ए प्लस सी बी। इसमें ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो हुआ था वो ही हो रहा है यहाँ पे। बट अंतर क्या है कि यहाँ पे दो में डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब दो दो जैसे कि दो अलग अलग के साथ जुड़ गई है और वहां पे एक ही जुड़ गई थी, जैसे कि ए बी और सी डी। तो क्या हुआ? ए का डिस्प्लेस हो गया डी के साथ और बी का डिस्प्लेस हो गया सी के साथ। आ गया समझ में इतना? अब इसका एक एग्जांपल देती हूँ। हमने स्टार्टिंग में ही डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जाम्पल दिया था, कौन सा वाला? जिसमें प्रेसिपिटेशन जब आया था तब मैंने आपको समझाया था। हाँ, एक और बात और कि जितने भी हमारे, जितने भी नहीं कहूंगी, ज्यादातर हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होते हैं वो हमारे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को दिखाते हैं। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या था आप लोगों को पता है, जो लास्ट में कलर भी देते हैं, इनसॉल्युबल भी होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं वही पुराना वाला, इसे आप लोग क्या कर लेना, बैलेंस PbNO3 का होल ट्वाइस, पोटेशियम आयोडाइड, गिव्स आउट PbI लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। याद आया? प्रेसिपिटेशन में करा था। अब जो ये मिलता है PbI लेड नाइट्रेट, ये कौन से कलर का है हमारा? अभी बताया था वो तो डबल डिस्प्लेसमेंट रहा है। कैसे? कि डिस्प्लेसमेंट देखो क्या हो रहा है, कि हमारा पोटेशियम से ये मिल गया, आयोडाइड से ये मिल गया, और लेकिन है प्रेसिपिटेशन तो फिर ये कौन सा कलर देगा? येलो। आया समझ में? अब एक और बात है कि डबल डिस्प्लेसमेंट को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जो आप लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ोगे, तो ऐसे कहते हैं कि जितने भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं ना, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होते, लेकिन जितने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं ना वो डबल डिस्प्लेसमेंट करते हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, तो आप लोग इसे एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ना, मैंने बता दिया है क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट टॉपिक आया था।
ये यहाँ पर आप लोगों का डबल डिस्प्लेसमेंट खत्म होता है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और एक और बात कि आप लोगों के पास नोट्स होना कंपलसरी है, मैं अपनी हर वीडियो में कह रही हूँ। अगर अभी भी, क्योंकि अभी तो फर्स्ट चैप्टर था, अब आएंगे आपके सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो अगर आप लोगों के पास नोट्स नहीं है तो फिर आप लोगों को मैं एक नंबर दे रही हूँ, आप लोग इसे नोट कर लें, इससे कॉन्टेक्ट कर लें, आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। 7569936755। अगर आप लोग इस पर व्हाट्सएप पे एक मैसेज करेंगे तो आपको सारी क्लासेस के नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, जिस जिसकी आपको ज़रूरत होगी, 9th, 10th, 11th, 12th। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।